भाई ये है गौरी माता का मंदिर और भाई ये है गौरी कुंड का खच्चर स्टैंड। आधा रास्ता टूट गया भाई, खतरनाक। तो भाई यूपी से मिले हमें भाई लोग, कितना दिक्कत हो रहा है लोगों को पार करने में ना। ये लिंचोली, यहाँ फटा था बादल भाई, कितना दिक्कत हो रहा है, बारिश आ गई है बहुत तेज भाई। यहाँ भी लैंडस्लाइड रुक गए ना, इतनी खतरनाक जगह पर भाई काम कर रहे हैं भाई। बाबा केदार के धाम में हम पहुँच गए भाई, यहाँ पे लगाया था रात में अपना टेंट। ये मंदिर के बराबर है, गौरी माई के मंदिर के बराबर में, और सामने हो गया पैक। तो भाई ये है गौरी माता का मंदिर। जय गौरी माता, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। हर हर महादेव, स्वागत है आपका हमारी केदारनाथ की पैदल यात्रा के एक और नए ब्लॉग में। और कल हम गौरी कुंड पहुँच गए थे और गौरी कुंड में रुके थे उधर टेंट लगा के, और भाई आज गौरी माता का आशीर्वाद लेकर स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना ट्रैक यहाँ से, जो कि 20 से 22 किलोमीटर है। तो देखते हैं कितने बजे पहुंचते हैं, और रास्ते के खूबसूरत नज़ारे, और जो भी लैंडस्लाइड हुआ है, रास्ता कहाँ ब्लॉक है, टूटा हुआ है, जो भी कुछ होगा आपको सब दिखाते हैं इस ब्लॉग में। तो बने रहिएगा लास्ट तक। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। गौरीकुंड से ऊपर की तरफ आ गए मंदिर से, और भाई देखो पूरा खाली खाली है। अभी बस कुछ लोग पीछे आए हैं और कुछ लोग ऊपर से आ रहे हैं, एकदम खाली है गौरीकुंड। यहाँ पर खतरनाक भीड़ होती थी भाई। और भाई ये है गौरी कुंड का खच्चर स्टैंड, यहाँ पर आपको खच्चर खच्चर देखेंगे। अभी खच्चर कम हो गए, यात्री नहीं आ रहे ना, तो भाई खड़े हुए हैं सभी खच्चर। और घोड़े वाले हमसे पूछ रहे खच्चर ले लो, पर हम तो खच्चर लेते ही नहीं है भाई। और आप भी खच्चर मत लो अगर आप चल सकते हो केदारनाथ। और सामने देखो खूबसूरत सा वाटरफॉल आ रहा है, रास्ते में न जाने कितने सारे वाटरफॉल हमको मिलने वाले हैं। गौरी कुंड से घोड़ा पड़ाव को पार करके यहाँ पर आकर, यहाँ से जो है ना व्यू पॉइंट है मंदाकिनी का, मंदाकिनी नदी दिख रही हो आपको भाई, कितना खतरनाक प्रवाह है जल का। और अभी बारिश नहीं हो रही है, बारिश होगी तो ये एकदम डबल हो जाता है भाई, खतरनाक। और सामने निकली है पहाड़ों पर धूप, और इधर छाए हुए हैं बादल भाई। यहाँ से जंगल चट्टी है 3 किलोमीटर, केदारनाथ है 15, जो कि बहुत झूठ है जो कि एकदम झूठ है 19-20 किलोमीटर है। ये देखो भाई ऊपर से ना पानी आया होगा, एकदम बादल फटा होगा, जो भी पूरा टूट गया है, आधा रास्ता टूट गया भाई। कब 20-25 दिन। अच्छा बादल फटा था एक लिंचोली तब का या पहले? हाँ चलते ऊपर, फटा हुआ है भाई। लगभग 1-1.5 किलोमीटर आ गए, और सामने भाई खतरनाक वाटरफॉल है, उसे कैसे पार करेंगे ना, पूरा जूते वूते भीग जाएंगे और हम भी जाएंगे। तो चलते हैं वाटरफॉल को पार करते हैं भाई, खतरनाक खतरनाक। अभी पहुंचे हम यहाँ पर, जो पहला पड़ाव आता है यहाँ पर, आप रेस्ट कर सकते हो, कुछ खा पी सकते हो, फिर आगे बढ़ सकते हो। और अभी 3 किलोमीटर आ चुके हैं हम चल के, चलते चलते अभी पहुंच गए हम चीरवासा, और चीरवासा में आता है ये भैरव मंदिर। जय भैरवनाथ, हर हर महादेव भाई। चीरवासा में यहाँ पर ना चीर वगैरह बांधा जाता है भाई। केदारनाथ यात्रा का ना सबसे सुंदर झरना यही है, वाटरफॉल। केदारनाथ में गाड़ी वगैरह नहीं चलता ना, तो सारा सामान ना खच्चर से जाता है, ऐसे अमरनाथ में भी जाता था। तो भाई ये काफ़ी कॉस्टली हो जाता है सामान वगैरह जो जाता है ऊपर। ये देखो भाई सिलेंडर कैसे ले जाया जाता है ऊपर, दो दो सिलेंडर जाते हैं, एक घोड़े के ऊपर एक इधर एक उधर, जाने का भी भाड़ा लगता है आने का भी। दूसरी जगह भी यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है, आधे से आधा रास्ता टूट गया है। देखो ये पानी भर के लाया खुला का, और टंकी को खुला छोड़ गया है रे। देखो पानी भर के लाया, टंकी खुली छोड़ी, चल बंद करके उसको, बंद कर, तूने पकड़ा, पकड़ता होता है, बंद कर क्या, बंद कर क्या, चल मैं पकड़ता, पानी को बंद कर क्या, मैं पकड़ता हूं। पानी कितना कितना होता है, जल और जली जीवन है, पता है। ले भाई माता जी ना पैदल जा रहे हैं, और जवान जवान लोग खच्चर में जा रहे हैं। कहाँ से आई माता जी? अच्छा यूपी से। भाई अभी केदारनाथ यहाँ से दिखा रहा है 10.5 किलोमीटर, जो कि गलत है, अभी यहाँ से कम से कम 15 किलोमीटर होगा भाई। भाई ये है भगवान केदारनाथ धाम के नज़ारे भाई, बहुत ही खूबसूरत। जो कितना सुंदर वाटरफॉल आ रहा है भाई ऊपर से, और इतना बड़ा चट्टान है ऊपर से टूट के आया होगा, और खतरनाक नज़ारे हैं भाई। हर महादेव।
तो भाई यूपी से मिले हमें भाई लोग, यूपी से कोई नहीं मिला, नहीं तो सब बंगाल से मिल रहे थे, यूपी के भाई लोग मिले हैं। क्या नाम था भाई आपका? वरुण परिक। अच्छा आपका? अभय सिंह। प्रयागराज। अच्छा प्रयागराज, आपसे प्रयागराज से? अच्छा राजस्थान से। तो आपका पहली बार है? जी जी पहली बार। भाई हर हर महादेव। अभी हम पहुंच गए रामबाड़ा में और यहाँ से जो दूरी रह जाती केदारनाथ की लगभग आधी रह जाती है, आधी से थोड़ा सा ज्यादा होगा। और भाई रामबाड़ा वही जगह है जिससे कि 2013 की आपदा की यादें जुड़ी हुई हैं। जो सबसे ज्यादा तबाही हुई थी वो रामबाड़ा में हुई थी। पूरा शहर हुआ करता था रामबाड़ा में, जो कि केदारनाथ आपदा है पूरा बह गया था, तहस नहस हो गया था, फिर वो ऊपर बसाया गया था रामबाड़ा। सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर मारे गए थे, सबसे ज़्यादा तबाही हुई थी यहाँ पर। ये पुराना ब्रिज था, यहाँ पर टूट गया था, उसकी जगह भी नया ब्रिज बनाया गया। तो यही है रामबाड़ा की स्टोरी। रामबाड़ा से ना वो दिख रहा ऊपर, वो था पुराना वाला रास्ता जो कि ऐसे 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 होते हुए ना करोड़ चट्टी होते हुए केदारनाथ जाता था, जो कि काफ़ी शॉर्ट था। और भाई ये पूरा टूट गया था 2013 की आपदा में, और अभी ये चालू नहीं है, फिर ये नया रास्ता बना दिया गया। भाई रामबाड़ा से ऊपर आ गए, रामबाड़ा के बाद जो चढ़ाई आती है ना वो सबसे ज़्यादा चढ़ाई होती है, एकदम खड़ी चढ़ाई होती है ऐसे ऐसे लिंचोली तक। और भाई थोड़ी देर में लिंचोली आ जाएगा, और यार थक जाते हैं ना, इतना ज़्यादा बैग है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है, और गर्मी लगने लगती है ना, पसीने पूरा गीला हो गया। तो भाई रेस्ट कर करके आगे बढ़ते रहें, पानी पीते रहें आराम से। और अभी टाइम हो गया है, 12 बज चुका है, तो लगभग 3 बजे तक हम पहुँच जाएँगे बाबा केदार के धाम। तो कराएँगे आपको दर्शन महादेव के। और मौसम भाई धीरे धीरे ख़राब होने लगा है केदारनाथ में ना। 12 से 2 बजे तक मौसम साफ रहता है, उसके बाद में ना मौसम ख़राब हो जाता है, बहुत तेज़ बारिश होने लगती है, बादल बनने लगे, कभी भी बारिश आ सकता है, तो जल्दी से निकलना पड़ेगा। हर महादेव, जोर से हर हर महादेव। भाई क्यूट सा बच्चा है ना, हर हर महादेव बोलते हुए। तो आप भी कमेंट में हर हर महादेव लिखिए, हर हर महादेव। ये लिंचोली यहाँ फटा था बादल, तो बादल फटने से ना ऊपर पूरा रास्ता टूट गया था। भाई देखो क्या हो रखा है ना, पूरा टूटा हुआ है, पत्थर वत्थर सब नीचे आ रखे हैं, काफ़ी नुकसान हुआ था। ये वाला रास्ता बंद हो गया, बादल फट गया था यहाँ पे, ये वाला रास्ता बंद हो गया ना, तो वही वाला रास्ता ऊपर टूट गया, बंद कर दिया, नहीं तो ऐसे 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 जाते थे। अब ये टेम्परेरी रास्ता बना दिया जो कि बहुत छोटा है भाई, घोड़े खच्चर या सिंगल ही आदमी निकल सकता है यहाँ से, ऐसे ऐसे जाना पड़ेगा, तो काफ़ी रिस्की है, बहुत खतरनाक है भाई। देखो भाई अभी चढ़ते जा रहे हैं हम उस वाले रास्ते से, और ये पूरा यहाँ पे पूरा टूट गया भाई, लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा है जाने में। देखो भाई पूरा बादल फटा था ना, पूरा रास्ता आ गया था यहाँ पे। ये देखो भाई कितना दिक्कत हो रहा है लोगों को पार करने में ना, पूरा वहाँ से ना ऊपर वाला रास्ता ख़त्म हो गया पूरा। भाई कितना दिक्कत हो रहा है ऊपर जाने में ना, लोगों को उतरने में घोड़ा एक एक फूकना पड़ता है तब ऊपर जाते हैं फिर। और मौसम देखो भाई कैसा हो गया, बदल गया केदारनाथ का मौसम, ये कभी भी बदल जाता है भाई, पूरा मौसम बदल चुका है। देखो क्या हो गया है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी। और यहाँ पे ना रिंचोली में आके ऐसी मौसम होता है, और देखो बादल फटता था कितना तबाही होता है भाई, पूरा का पूरा पहाड़ ख़त्म हो गया और रास्ता भी टूट गया। इसे बनने में ना कई महीने लगेंगे, ये टेम्परेरी रास्ता बनाया है ऐसे, भाई बहुत ही रिस्की है। और बारिश भी आने लगी हल्की हल्की, ये देखो भाई कितना दिक्कत हो रहा है ना, पूरा रास्ता टूटा हुआ है खच्चरों को जाने में। देखो जो केदारनाथ आए होंगे ना उन्होंने कभी ऐसा रास्ता नहीं देखा हुआ, कितना बुरा रास्ता हो रहा है। टेंट पहनना पड़ेगा हमें, और अभी हम बन जाएंगे ड्रैकुला। मुझे उसका ऐसे मत लगाओ, भीगने दो उसका सामान। भाई जिसका डर था ना वही हुआ, बारिश आ गई है बहुत तेज, पूरा अंधेरा अंधेरा हो गया। वही रेनकोट है ना, दो दो बैग है तो रेनकोट चढ़ नहीं रहा, आधा ही आ रहा है, तो यार भीग जाएंगे थोड़ा बहुत बच पाएंगे बताए। देखो भाई रास्ता क्या मौसम हो गया, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, और ये रास्ता टूट गया था यहाँ तक, काफ़ी लगभग 2-3 किलोमीटर का रास्ता ना टूट गया था, सब जगह पत्थर पत्थर पड़े हुए हैं, शायद आपको दिख रहा होगा या नहीं, और भाई कोई भी नज़र नहीं आ रहा है, ऐसा मंजर पहली बार देखा है भाई केदारनाथ में। भाई यहाँ बेस कैंप से पहले यहाँ पर भी बादल फटा, और यहाँ तो खतरनाक वाला है भाई, और देखो ऊपर
पूरा गायब हो गया भाई, ग्लेशियर हुआ करता था यहाँ, पूरा मैदान हो गया। देखो अभी काम करने में लगे हुए हैं सभी लोग, और जो मेन रास्ता था ना वो दिख रहा होगा पूरा टूट गया है, कितने कितने पत्थर आए हैं ये देख सकते हो। हे भगवान, हाँ भगवान, ये रास्ता बनाया जा रहा है अभी यहाँ पर भाई। यहाँ रास्ता बनाना, काम करना बहुत मुश्किल है। पूरा ख़त्म हो गया भाई, पूरा ख़त्म। देखो कितना बड़ा पत्थर गिरा है रास्ते में। अभी आपको दिखाता हूँ, देखो वो रास्ता ना उधर से आता है, उधर से पूरा ख़त्म हो गया, तो ऊपर से एक नया रास्ता बनाया। यहाँ देखो पूरा तबाह हो गया भाई, भाई यहाँ भी लैंडस्लाइड रुक गया है ना, पूरा रास्ता गायब। वहाँ ऊपर से बाद पानी आया है, अभी काम चल रहा है भाई, लगे हुए सब मैंने से रास्ता बनाने में, और अभी भी 5-6 किलोमीटर है। ओ भाई चलते चलते ना बैंड बज गया पूरा, रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा। पिछली बार आया था ना तब ज़्यादा सामान था, तब भी रास्ता महसूस नहीं हुआ, ऐसा लगा बहुत जल्दी पहुँच गया, पर अब क्या रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा, क्योंकि एक तो लोग कम है, अकेले हैं। पिछली बार ना डोली के साथ गए थे तो बहुत भीड़ थी, एक्साइटमेंट था, तो भाई चलते गए थे तो रास्ता पता ही नहीं चला था, लेकिन अभी तो हालत ख़राब हो गया। और अभी यहाँ से जाते हैं ना, वो सबसे वाला जो वाला चढ़ाई है ना वो सबसे ख़तरनाक है, लास्ट चढ़ाई, उसके बाद आएगा बेस कैंप, फिर वहाँ से 3-4 किलोमीटर रास्ता बचेगा सीधा सीधा, बस वो वाला हाईएस्ट चढ़ाई है वो पार करना है। और भाई 4 बज चुका है, देखते हैं 6-7 बजे तक पहुँच जाएँ तो अच्छा रहेगा। इन लोगों को भी सैलरी उठा, देखो बारिश में इतनी ख़तरनाक जगह पर भाई काम कर रहे हैं, यहाँ पर रोड टूट गया है। तो भाई फाइनली वाली जो चढ़ाई थी लास्ट वाली उसको पूरा करके आ गए बेस कैंप पे। बारिश हो गई है बंद, हो भाई नज़ारा है ना यहाँ से ख़तरनाक। हर पहाड़ पे पहले वाइट पहाड़ देखे थे आपने पहले वाले ब्लॉग में, अब ये ग्रीन है हो चुका है एकदम, पूरा घास से ढके हुआ भाई। हर हर महादेव भाई, इतना सुकून, इतना आनंद आ रहा है ना, जितनी थकावट थी आने की सारी मिट गई। हर हर महादेव, जय श्री केदार भाई। फाइनली ऋषिकेश से पैदल चलते 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 हालत ख़राब हो गई, कितनी मुश्किलों को पार करते हुए भाई बाबा केदार के धाम में हम पहुंच गए। और यहाँ पर ना सब कुछ बदल चुका है, पिछले व्लॉग्स में आपने देखा होगा ऐसा, भाई यहाँ बहुत कुछ बदल गया, हमें तो पहचान भी नहीं आ रहा है ये केदार घाटी है। देखो यहाँ से ये पूरा पतला रास्ता होता था हेलीपोर्ट की तरफ, हेलीपैड की तरफ से, और यहाँ देखो पूरा पक्का रास्ता बन गया है। यहाँ से हमें केदारनाथ मंदिर थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, बाबा केदार मंदिर की झलक दिख रही है, आपको नहीं दिखेगी, अभी थोड़े आगे चल के आपको दिखाते हैं भाई। हर हर महादेव, हमारी यात्रा सफल हो गई भाई यहाँ पे आके। तो भाई ये है वही हेलीपैड, और वो रहा हमारा आश्रम बाबा बर्फानी का, जहाँ पे कि हमने कितना सारा समय बिताया और पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। और हर हर महादेव, जय श्री केदार भाई। फाइनली बाबा केदार के दर्शन कर लिए हमने। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो कर दे इस व्लॉग को यहीं पे एंड, और कल कराएंगे आपको दर्शन बाबा केदार के।